शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार के श्लोके दुर्गा शिव माता देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायने कलौलिकार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं प्रयत्नतः देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वे तथाधनम् मया कवेव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः परष्टभ छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी मा सरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः देवी भगवती कृष्य महाय महामाया प्रयच्छते दुर्गे स्मृतामसे जयन्त स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददाति दारिद्र्यदुःखवयहारिणिका स्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सर्वार्थचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते शरणागतदेनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवि नारायणे नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वस्य सर्वशक्ति समन्विते वयवस्त्राय नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते रोगाश्चेष्टान्नपहंसिदुष्टान् रुष्टासुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिताय क्षयतां प्रयान्ते सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशन ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शरणामां प्रवक्ष्यामि शरस्वकमलालने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्तरे ॐ सदीता प्रीता प्रीता भवानि भवमोचने आया दुर्गा च आचार्या त्रिरेक्तशूलधारिणे विनाकधारिणे चित्तदण्डघण्टा माधव मनोवज्जलहङ्कार चित्तरूपाचिताजिने सर्वमन्त्रमये सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणे अरङ्गाभाव्यने भाव्या भव्या भव्या तथागति सर्ववेदेवमाता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशने अपर्णानेकवर्णा च पाटलापाटलापदे पट्टापरपरिधानकलमञ्जीररञ्जने अरे अविक्रमाक्रोर सुन्दरे चरचन्दरे
Varadurga cha matanga matanga manipojita Rame Maheshwari chandri kaumari vaishnavetata Chamunda jiva varahi lakshmi cha purushakriti Vimalaskarshani jana kriya nitya cha buddhita Bhaula bhaula prema sarva vahana vahana Vishamba jamba hanane mahishasura marjane Madhukaita vantrita chanda munda vinashane Sarva sura vinashata sarva dhanava gatine Sarva shastra mahi satya sarva sradharani tata Aneka shastra astrata aneka astrachya dharani Kumari chaika kanyata keshari yuvate ane Aprauda chaika praudata vidya mata valaprada Mahadari mukta keshi kala rupa mahavala Agni jvala ratra mukhi kala ratrishta vasjane Narayani vajjakali vishnamaya jaladari Shivaroti karalicha ananta parameshwari Katyayani cha savitri pratyaksha brahma vadini Yairam brahmale nityam durga nama shatachakam Nasatyam vidyate devi tishalokesha parvati Tanam dhanam sutam jaya ayam astina mevata Chaturvarkanpatatante ravel muktim chasajvadim Kumarim pojayetvato dhyatva devim saleshvadim Pojayetvarya vakta panem namah shatachakam Taksya siddhirva vedemi sarve survarairami Rajano dasutam yanti rajya shriyamavapniyat Nārācana lakta katungumena sindhura karpura madhatrayena Vilakkhayanjam vidina vidigya bhavetala dharyate purari Bhavavaksya nishamakke chandre shavavisham kade Vilakkhya bhavale sosam savavetam padam padam इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अच श्री चंडे कवच ब्रह्मा ऋषि अनुष्टव छंदः चामुंडा देवता अंगण्या सोक्तमाकरो बीजं जगवन्द देवता सत्तम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशरीपानागत्वेन यपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्वयं परमलोके सर्वलक्षकरं नृणां दण्डकश्चिदाख्यातं दण्डे ब्रहे पितामहः ब्रह्मवाच अस्ति कयोतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासो कवचं पुण्यं दक्षिणश्च महामुने कदमं जलपुत्रे च तृतीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डेति कोष्मान्तेति चतुर्थकं पञ्चमं छन्दमाचेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमं
नाम सिद्धिदात्रे च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उत्तमे तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनादयमानश्च शत्रुमध्ये गदारणे विषमे दुर्गमे चैव वयाचाचरणङ्गदा नादेशाम् जायते किञ्चिदजुवर्णसङ्कटे नावलम् दच्छ पश्यामि शोकदुःखभयम् नये येषु भक्त्या स्मृदानानाम् तेषाम् वृद्धे प्रजायते ये त्वाम् शरन्ति देवेषु रक्षदेवता न संशया ते च संसातु चामुण्डावाराये महिषाचनाम् अन्यकसमारूढावैष्णवे गरुडाचनाम् माहेश्वरे विचारूढा कौमारेशिवारणाम् लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्तप्रिया क्षेत्ररूपाधरा देवी ईश्वरे ऋषिवारणाम् राणी अंशसमारूढा सर्वाभरणभूषिता नित्यकामातरा सर्वा सर्वयोगप्रमन्विता नानावर्णशोभाजा नानारुद्रवशोभिता दृश्यन्तेरसमारूढा दिव्या कोदसमाकुला शङ्करचक्रङ्गला शक्त्यलं च मुसलायुलम् खेलकम् दोमरम् चैव परशुम् पाशमेव च कुन्दायुलम् च जोलम् च शालकमायुलमोत्तम दैत्यानाम् देहनाशाय भक्तानाम् भयाय च धारयन्तायुधानिथम् देवानाम् च हिताय वै नमस्ते तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महामले महोत्साहे महाभयविनाशने मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणामय वर्जने प्राचारक्षमामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणवधुवाराहि नैरित्याम् खड्गधारणे वलिचावारणे रक्ष्य वायव्यामृगवाहिने वलिचावाचकौमारी ऐशान्यांशूलधारणे ओजम् ब्रह्माणि मे रक्ष्य अलस्तावैष्णवे च एवम् दशलिशो रक्ष्य चामुण्डा च वर्णान् जया जागृता पादो विजया पादो पृष्ठदा अहिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता श्रीकामद्योदने रक्ष्य भुवावर्धे भवर्तिता मालालीललाटे च भ्रुवो रक्ष्य च दक्षिणे त्रिणस्तागभ्रुवर्मध्ये यमघण्टा जनाधिके शङ्करे दक्षर्मस्य शक्तयद्धारवाचने कपालौकालिका रक्ष्य कर्णमौले च शङ्करे नासिकायाम् सुगन्धा च उत्तरस्य च चर्चिकाम् अजरे चामृतकला देवायाम् च चरक्षरे दन्ता रक्षकौमारे कण्डले च चण्डिका कण्डिकाम् चित्तघण्टा च महामाया च तालुके रक्ष्य वाचमे सर्वमङ्गला देवायामध्यकाले च पृष्ठवंशे जनोद्धरे नीलग्रीवावहि कण्ठे नलिका नलकोमले स्कन्धयोः खड्गणे रक्ष्य बाहु मे वज्रधारणे हस्यो दण्डने रक्ष्य अम्बिका चाङ्गुलेषु च नगाञ्जूलेश्वरे रक्ष्य कुख्यो रक्ष्य कुलेश्वरे रक्ष्य महादेवी मनाशोकविनाशने हृदय ललिता देवी उगरेशूलधारिणे नावौचकामिनि रक्ष्य गुह्यम् गुह्येश्वरी तदा भोजनागामिकामेत्रम् गुरेमहेशमायिणे कट्यम् भगवती रक्ष्य चारुणे विन्दवासने जङ्गे महाबला रक्ष्य सर्वकामप्रदायिणे गोल्भयानारसिङ्गेन पादपृष्ठे तथेजते पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष्य पादारत्नवाचने नगानसागराले च केशाचैवोद्योगेशने रामकोपे च कोपे त्वजम् भागेश्वरे तदा रक्तमध्यावचावासान्यस्य मेधासि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तम् च मुकुटेश्वरे भग्नावधि पद्मकोश कवे चूडामणिश्वर
ज्वालामुखेन गज्ज्वालामवेद्यासर्वजन्यज शुक्रं ब्रह्माणिमे रक्षे छाया क्षत्रेश्वरी जन आकारं मनोबुद्धे रक्षे मे धर्मधारिणे प्राणपाणौ तदा व्याणम् उदानं च समानकम् वज्रासादमे रक्षे प्राणं कल्याणशोभनम् रजरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जागरे सत्त्वरजस्तमश्चैव रक्षे नारायणे तव आयो रक्षतु वाराये धर्म रक्षतु वैष्णवे यजा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च दक्षिणे गौतमिन्द्राणि मे रक्षे तजोन्मे रक्षे चण्डिके पुत्र रक्षे महालक्ष्मे वार्यं रक्षतु भैरवे पन्थानं च वदारक्षे मार्गं केमकलेशव राजद्वारे महालक्ष्मे विजयासर्वदाश्रित रक्षायेण द्विजस्थानं वर्जितं कवचेन तच्चर्वरक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशने परमे कन्न गच्छेत जयेच्छेत ममात्मना कवचेनापि जो नित्य यत्र यत्रैव गच्छति तत्तदत्तार्थलाभश्च विजयासार्वकालिका यञ्जञ्जयते कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमधुरं प्राप्स्यते भोजने भवान् निर्भयो जायते मत्या सङ्ग्रामे च पराजिता त्रैलोकेषु भवेत् पूज्यः कवचेन मृषा पुमान् हिरण्डोनेभ्यः कवचं देवानामपि सर्वम् ज्ञापने प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यसत्यान्वितम् देवे कला भवेत्तश्च त्रैलोकेषु पराजितम् जीवे वंशतं साग्रम् अपमित्यो विवर्जितम् नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोका विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विदम् अविचारानि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजराक्षेचराक्षैव जलयाक्षोपदेशिका सजाकुलजा माला डाकिनी शाकुनी तदन् अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्य च महाबला ब्रह्मभूतपिशाचाश यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतारा कूष्माण्डभैरवादया दर्शन्ति दर्शनाथश्च कवचे सन्धिरे बाणान्यनिर्भवे राज्यस्तेयवृद्धे करं परम् यदा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरत् यावद्धो मण्डलं दत्ते सशैलवनकानन तावत्तिष्ठति मे जन्यं सन्तते पुत्रपौतिके देहान्ते परमं स्थानं चक्षुरैरमिलुल्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादः लभते परमं रूपं शिवेन च बोधते अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्तस्य विष्णो ऋषिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बाभिषये सप्तशतीपाठागत्तेन जते विनियोग ॐ नमः चण्डिकायै बालकण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले गवालिने दुर्गात्यवा शिवाजात्रे स्वाहा सुरा नमस्ते जयोत्तम देवि चामुण्ड जय भूतार्थे हारिणे जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमस्ते मधुकैटव मित्रावे विरात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि दुशा देहि दुशा देहि वैशाचरणाचे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि दुशा देहि दुशा देहि रक्तबीजावले देवि चण्डमण्डाविनाशने
रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दिशो देहि अजंत रूप चरित सर्व शत्रु विनाशने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि नदभ्या सर्वदा भक्त्या चंडिके त्रितापये रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि सभक्त्यो भक्ति पूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि चंडिके सदनं यत्त्वां अर्चयन्ति अभक्तिदा रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि विदेहि कृष्णनाशं विदेहि बलमत्तकये रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि शुराशुरशिरोरत्न निकृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि विद्यावन्तं जयवन्तं लक्ष्मीमन्तर्जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि प्रचण्डचैत्यदर्भग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि चतुर्भुज चतुर्वक्त्र संतुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि कृष्णेन संस्तुते देहि सत्त्वभक्त्या चदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि हिमाचलसुधानाथ संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि इन्द्राणि पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि देवि प्रचण्ड दोर्दण्ड चत्रदर्प विनाशने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि देवि भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि भक्ति मनोरमान् देहि मनोवृत्तानुसारणे कारणे दुर्गसंसार सकलस्वगुरोत्तम यः स्तोत्रं वदित्वा च महास्तोत्रं वदे नरः चतु सप्तशति सङ्ख्या भर्मा प्रणोति तं वदा अथ कीलकम् ॐ अच्छीलकमन्त्रस्य शिवार्षेः अनष्टवसन्द श्रीमा सरस्वती देवता श्रीजगदम्बाभिजाथ सप्तशरीमाणागत्येन जपे विनियोग ॐ नमश्चण्डिकायै बालकण्डयवाच ज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमाशोमादशालिने सर्वमेतद्धियाधियाकेलकम् सौमिक्षेममवाप्नोति सततम् व्याप्यतत्परः यद्यन्तु चाचनाधेने वचो नेत्रकलान्यवे एतेन स्तोताम् देवे चोत्तमात्तेन सिध्यते नौषधम् दत्त न किञ्चिदपि विद्यते विराजाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्काविरामरा त्यक्त्वा निमन्त्रयामाथ सर्वमेव निदर्शवम् स्तोत्रम् मे चण्डिकायासु तच्च गतम् चकारच समाप्तेन च पुण्यश्च तान्यथा वर्णयन्त्रणाम् सौमिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवम् न सन्दया कृष्णाय वाच चतुर्दश्च अष्टम्यवसमाहितः
ददाति प्रतिगच्छति नान्यतश्च प्रसीदते यत्तरूपेण किलेन महादेवेन कीर्तितम् योनिष्किलाभिधायेन नित्यजगजीतस्मरम् स नित्या सगणा सोऽपि गन्धर्वो जायते नः न च वयम् प्राप्ति अजायते नामृत्युमजायते मृतमोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यते तदो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिवचिन्त्यम् दृश्यते ललनायने तत्सर्वम् दत्तजातेन तेन याप्यमिदम् शिव क्षणस्तु याप्यमानोऽस्मिन् श्रोते सम्पत्तिरोचकैः भवत्येवासमग्रावीतना प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्त्वसाधेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुहानिः परो मोक्षः श्रूयते स्थानगञ्जनैः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यास जी द्वारा विरचित मार्कण्डे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् जय जय हे वाय जा दुर्मर्दिनि रङ्ग कपादिनि चैलजु
Thank you.
भक्तगण भी अंतिम पृष्ठ से पहले क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध चाले के अंतर जमया तातोयमिति मामता क्षमता परमेश्वरी आवानं न जानामि न जानामि विसर्जन पूजां चैव न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं कदाशमे अपराधदं कृत्वा जगदं मे त्रिचतरे यां गति समवापनोति काता ब्रह्माद्यासना सापराधस्मे शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्प्य यथेच्छसि तदा अज्ञानाधिस्मते भ्रान्त्या जान्योऽणम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि चिदानन्द विग्रहे विहानाचिमासेत्य जयकारा शेरवली बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षर का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पद्म स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षर का नाद कीजिएगा। Oh.
ओंकारं बिंदुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जान बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचियां ज्योतां वाली माँ जयकारा शेरां वाली दा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया है। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। ते सम्मता यन परेशु धनानि तेषां तेषां जशांसि नर्त सीति धर्म वर्गा धन्यात एव निमित्तात्म भित्त धारा येषां सदा भविदा भवति प्रसन्ना। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली माँ, आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित, उन्हीं को धन और जश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भित्तों के साथ धन्य माने जाते हैं। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्मा नत्ता जदा प्रदिन सुकृति करोति स्वर्गम प्रयाजतो भवति प्रसादा लोक ते विफला ननु देवी तेन। देवी, आपकी कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय मनोवांछित फल देने वाली। दुर्गे स्मिता हर्षि भीति मशेष जंतो स्वस्थे स्मिता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्व धन्या सर्वोपकार करुणाय सदार्थ चित्ता। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणी का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। सचिया ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जभी जभी भी हम भक्तों पर ही नहीं, स्वयं देवताओं पर, राजा महाराजाओं पर, दैत्यों पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट काल आन पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है, अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है, तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देख करके उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के लिए दूर किया। आप जानते हैं कि माता सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा दग्ध कर दिया, उस समय शंकर जी विचलित हो गए और सती के शव को लेकर के तांडव करने लगे, जिससे तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। स्वयं शंकर जी विचलित हो गए और सती के स्वरूप का ध्यान करते हुए समाधि अवस्था में बिताने लगे। तब सती के भाव में सभी देवगण दुख रूपी समुद्र में डूब गए, सभी अपनी मर्यादा से विचलित हो गए, ग्रहों की दशा विपरीत हो गई। तभी तारकासुर नाम का एक महादैत्य, जिसने ब्रह्मा जी की आराधना द्वारा ये वरदान प्राप्त कर लिया कि शंकर जी के और उस पुत्र द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि जानता था कि शंकर जी की अर्धांगनी सती ने अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया है, इसलिए उनका और उस पुत्र नहीं होगा और मेरी मृत्यु नहीं होगी। और इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके वो देवताओं को सताने लगा और उनको स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवगण मन में विचार करने लगे कि इसका अंत कैसे होगा दैत्य का। तब वे भगवान विष्णु के धाम में वैकुंठ में गए और सारा वृत्तांत उनको बताया कि किस प्रकार तारकासुर जो स्वर्ग का अधिष्ठाता बन गया है, उसने हमको स्वर्ग से निकाल दिया है। तब भगवान विष्णु देवताओं को बताने लगे कि मणिद्वीप में भुवनेश्वरी देवी सदैव जागने वाली है और वो हम भक्तों का
दुख दूर करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। निश्चय रूप से हमसे कोई गलत कार्य हुआ है जिससे उनकी हम पर उपेक्षा है, क्योंकि पुत्र से पग पग पर अपराध होता रहता है और माता के सेवा क्षमा करने वाला कौन है। इसलिए हमें सभी को उन्हीं की अविचल शरण ग्रहण करनी चाहिए। स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ देवताओं को साथ लेकर हिमालय पर्वत गए और वहां पर उन्होंने देवी का पुरस्करण करना प्रारंभ किया, अम्बा यज्ञ करना प्रारंभ किया, जिसमें कुछ देवगण समाधि अवस्था में बैठ गए, कुछ देवी सूत का पाठ कर लिए, जप कर लिए। इस प्रकार कई वर्ष दुर्गा माता की आराधना करते बीत गए। तब श्रुति द्वारा प्रतिपादित चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को शुक्रवार को एक ज्योति सबके सामने प्रकट हुई, जिसका हजारों सूर्य के समान जिसके प्रकाश था, हजारों चंद्रमाओं की जिसमें शीतलता थी। वो ना स्त्री रूप ना पुरुष रूप में ना उभय रूप में उसको देख करके देवताओं की आंखें बंद हो गई। और जब धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली तो सामने देखा कि सिंह पर आरूढ़ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए दुर्गा माता जी विराजमान है। उनके जो मुख की आभा अष्टमी के चंद्रमा के समान है, उन्होंने केसर की बिंदी धारण की हुई है, लाल वस्त्र पहने हुए हैं और शरीर की आभा दाड़म के पुष्प के समान है। उनको देख करके देवताओं के कंठ रुंध गए और उन्होंने धीरे धीरे माता जी की स्तुति प्रारंभ की। हे माँ, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से संबंध करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन एवं संहार कराती हैं। आप प्रकट हो। उसमें माता जी ने मधुर कोयल के समान जो ध्वनि में देवताओं से कहा कि देवताओं, आपको किस प्रकार का कष्ट है, मैं आपका दुख दूर करने के लिए कल्प वृक्ष के समान हूँ। तब देवताओं ने कहा कि माँ, तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा आपसे शोभा नहीं है जो आप ना जानती हो। आप जानती हैं कि इस समय तारकासुर नाम का महादैत्य जिसने ब्रह्मा जी की आराधना करके वरदान प्राप्त किया है कि शंकर जी के औरस पुत्र आयुष की मृत्यु होगी, इसलिए वो हम लोगों को दुख दे रहा है, हमको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है, इसलिए उसके अंत का कोई उपाय सोचें और आप जो है रूप धारण करके प्रकट हों। उसे माता ने कहा कि मेरी जो गौरी नाम की शक्ति है वो हिमालय के घर में उत्पन्न होगी, क्योंकि हिमालय बड़े मनोयोग से मेरी आराधना कर रहा है। देवताओं ने ये भी कहा कि माँ, दूसरी हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आपके चरणों में हमारी अविचल भक्ति सदैव बने रहे। माता ने उनको ऐसा ही वरदान दिया। वहाँ हिमालय भी सुन रहे थे। जब उन्होंने अपने पति ऐसे शब्द सुने तो अश्रुपूर्ण नेत्रों से रोंदे हुए कंठ से कहा कि माँ, जिस पर आप कृपा करना चाहती हैं उसको महान बना देती हैं। कहाँ यथा स्थानु में हिमालय और कहाँ सच्चिदानंद स्वरूपनी आप, क्योंकि जिनके उदर में हजारों ब्रह्मांड स्थित हैं वही मेरे घर में जब पुत्र रूप में उत्पन्न होगी तो मेरे समान धन्य कौन होगा। हजारों अश्वमेध यज्ञों तथा समाधियों द्वारा भी आपको पुत्र रूप में पाना कठिन है, मेरे पूर्वज धन्य हो जाएंगे। इस प्रकार समयानुसार जो गौरी शक्ति शंकर जी को प्राप्त हुई उनसे कार्तिक हुए और उन्होंने मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को जो तारकासुर का वध किया। तब देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की और उनका अभिषेक किया गया। कहने का तात्पर्य यही है कि हम भक्ति नहीं देवता व्या घोर शंकर पर जाते हैं, उस समय वह इन्हीं दुर्गा माता की आराधना करते हैं। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनका उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि काल से दिव्य गुफा में आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संबंध कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरद हस्त भक्त प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिव रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ओम ऐं ओम अथवा ओम ऐं सरस्वती नमः इसका जाप करने से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के चरण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश विदेश में समृद्धि मान प्राप्त होता है। और क्लीन के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी अनुवाद मंत्र का उच्चारण माता जी में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडा देवी चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवी चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवी चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवी चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवी चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवी चे सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा जय करा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय घर में भी नित्य प्रतिष्ठा और उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोई माता प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री विजय कुमार जी से अपनी मधुर बैंड प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। हो असी दर तेरे हाजरी मालाउन आए हां लाल चुन्नी नाले झंडा भी चढ़ाउन आए हां असी दर तेरे हाजरियां लगाउन
मनाउन आए हां लाल चुन्नी नाले चंडा भी चढ़ाउन आए हां चंडा भी चढ़ाउन आए हां सर तेरे हाजरी चढ़ाउन आए लाल चुंदी नाले चंडा भी चढ़ाउन आए तू ता सारियां दी मन तमा पूरी कर दी तू सारियां दी मन तमा पूरी कर दी ये बिन मंगे आही तेरे दरो चोली पर दी नामा सुखी सी ओ लाउन आए हां लाल चुन्नी नाले चंडा भी चढ़ाउन आए हां बिखेरे गली गली
पुजारी आखिर वह कंगाल हुए।
कर रहे हैं श्री यशपाल जय करा शेरमली हो सच्चे दरबार की जय जय हो आद्या शक्ति जय मां दुर्गा काली जय हो आद्या शक्ति जय मां दुर्गा काली जय हो आद्या शक्ति जय मां दुर्गा Thank you.
दाता तू है तीन लोक की दाता तीन लोक की माता तू है तीन लोक की दाता सबके कष्ट निवारक तू तू ही भाग्य विधाता सबके कष्ट निवारक तू है सबके कष्ट निवारक तू है तू ही भाग्य विधाता सबके कष्ट निवारक तू है तू ही भाग्य विधाता जय हो आजा शक्ति जय मां दुर्गा काली जय हो आजा शक्ति जय मां दुर्गा काली जय हो धरती तू है अंबर तू है तू ही तारा गगने धरती तू है अंबर तू है तू ही तारा गगने जग भगत में तू है लाल तू ही सबके मन में जग भगत में तू है लाल तू ही सबके मन में जय हो आजा शक्ति जय मां दुर्गा काली सबकी पार लगैया श्री राम ढोल सच्चे दरबार की।
एक प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंदर। जयकारा शिरावलिदा बोल सच्चे दरबार की जय। नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना। जो जगा के थी सनवा के, जो जगा के नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना। नच नच के जेड़े माणू मनाउंदे, नच नच के जेड़े माणू मनाउंदे, नच नच के जेड़े माणू मनाउंदे, नच नच के जेड़े माणू मनाउंदे। मंगियां मुरादा मां कोल पाउंदे, मंगियां मुरादा मां कोल पाउंदे, मंगियां मुरादा मां कोल पाउंदे, मंगियां मुरादा मां कोल पाउंदे। ओ पग बजांदे ढोल मजीरे, पग बजांदे ढोल मजीरे, पग बजांदे ढोल मजीरे, पग बजांदे ढोल मजीरे। छणे दी छणकार भगतो अज नचणा, नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना। जाके मां तेरे भगत रजाउंदे, जाके मां तेरे भगत रजाउंदे, जाके मां तेरे भगत रजाउंदे, जाके मां तेरे भगत रजाउंदे। मां दियां पेटां गाउंदे, मां दियां पेटां गाउंदे, नचदे मां दियां पेटां गाउंदे, नचदे मां दियां पेटां गाउंदे। ओ जिथे होंदी किरपा मां दी, ओ जिथे होंदी किरपा मां दी, जिथे होंदी किरपा मां दी, जिथे होंदी किरपा मां दी। ओ परदे दी भंडार भगतो अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना, भगतो अज नचना, नचनाई द्वार भगतो अज नचना। तू दाती है भाग्य विधाता, तू दाती है भाग्य विधाता, तू दाती है भाग्य विधाता, तू दाती है भाग्य विधाता। जग जननी जगदम्बा माता, जग जननी जगदम्बा माता, जग जननी जगदम्बा माता, कदी मुरादा पूरियां थपदी, कदी मुरादा पूरियां थपदी, कदी मुरादा पूरियां थपदी। मंगदा कुल संसार भगतो अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना। चढ़ जाए तेरे नाम दी मस्ती, चढ़ जाए तेरे नाम दी मस्ती, चढ़ जाए तेरे नाम दी मस्ती, चढ़ जाए तेरे नाम दी मस्ती। भूल जाए मैनू अपनी हस्ती, भूल जाए मैनू अपनी हस्ती, भूल जाए मैनू अपनी हस्ती, भूल जाए मैनू अपनी हस्ती। हर पल तैनू याद करावा, हर पल तैनू याद करावा, हर पल तैनू याद करावा, हर पल तैनू याद करावा। हो जाए मेरा पार भगतो अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतो अज नचना। मैया तेरा रूप निराला, मैया तेरा रूप निराला, मैया तेरा रूप निराला, मैया तेरा रूप निराला। दास तेरा है बड़ा मतवाला, दास तेरा है बड़ा मतवाला, दास तेरा है
ਬੇਟਾ ਗਾਉਂਦਾ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਬੇਟਾ ਗਾਉਂਦਾ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਬੇਟਾ ਗਾਉਂਦਾ ਬੋਲੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਗਤੋਂ ਵਜ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚਣਾ ਮਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰ ਭਗਤੋਂ ਵਜ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚਣਾ ਮਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰ ਭਗਤੋਂ ਵਜ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚਣਾ ਮਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰ ਭਗਤੋਂ ਵਜ ਨੱਚਣਾ ਹੋ ਜੋ ਜਗਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਮਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰ ਭਗਤੋਂ ਵਜ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚਣਾ ਮਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰ ਭਗਤੋਂ ਵਜ ਨੱਚਣਾ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਅੱਜ 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 ਨੱਚ वैष्णो माता जी हमारे जहाँ जम्मू के डुग्गर प्रदेश में प्रकट हुई है प्रस्तुत है उन्हीं के चरणों में जम्मू की प्रादेशिक एवं मातृभाषा में डोगरी में माता दैत वार दिल अध्यक्ष खोलना ओ माता दैत वार दिल अध्यक्ष खोलना माता दैत वार दिल अध्यक्ष खोलना ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁੰਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁੰਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਮਨ ਵਾਲਾ ਤੇਜ ਸਾਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਰਨਾ ਮਨ ਵਾਲਾ ਤੇਜ ਸਾਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਰਨਾ ਮਨ ਵਾਲਾ ਤੇਜ ਸਾਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਤਾ ਭੋਲੇ ਮਾਤਾ ਲਾਜ ਸਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਅੱਜ ਮਨ ਭੋਲੇ ਮਾਤਾ ਲਾਜ ਸਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਭਗਤ ਦੀ ਗੋਦ ਮਾਤਾ ਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸਖਣੀ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਤੁੰਗਾ ਦਿਖਣਾ
ਦਾਸ ਕੋਲਣਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਦਿਲ ਅਜਨ ਖੋਲਣਾ ਪਵਨ ਨਿਰਾਲਾ ਦੁੱਧ ਗੰਗਾ ਪਾਈ ਲੈਂਦੀ ਮਾਲ ਦੁੱਧ ਗੰਗਾ ਪਾਈ ਲੈਂਦੀ ਮਾਲ ਦੁੱਧ ਗੰਗਾ ਕੁੰਡਾ ਗਲ ਪਾਈ ਲੈਂਦੀ ਮਾਲ ਉੱਚੇ ਤੱਕ ਚੜੀ ਜਾਣੇ ਜੀਅੜਾ ਨੀ ਬੋਲਣਾ ਉੱਚੇ ਤੱਕ ਚੜੀ ਜਾਣੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚ ਤਨ ਮਨ ਬੋਲਣਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚ ਤਨ ਮਨ ਬੋਲਣਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਦਿਲ ਅਜਸ ਬੋਲਣਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਵਾਰਾ ਦਿਲ ਅਜਸ ਬੋਲਣਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਦਿਲ ਅਜਸ ਪ੍ਰਾਤਃ ਸਮਰਾਮਿ ਸ਼ਰਦਿੰਦੁ ਕਰੋ ਜਲਾਵਾਂ ਸਦ੍ਰਤ ਵੰਡ ਕਰ ਕੁੰਡਲ ਹਾਰ ਭੂਸ਼ਾਂ ਦਿਵਿਆਜੋਜਿਤ ਸੁਨੀਲ ਸਹਸ ਹਸਤਾਂ ਰਕਤੋਪਲਾਵ ਚਰਣਾ ਭਵਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਆਜ ਬਿਕਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਬਤ 2075 ਦਕਸ਼ਿਨਾਇਨ ਉੱਤਰ ਗੋਲ ਵਰਸ਼ਾ ਰਿਤੂ ਸ਼ਾਵਨ ਮਾਸ ਕੀ ਆਜ ਨੌ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੈ ਆਸ਼ਾਢ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ੀ ਆਜ ਦੁਆਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਦ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ ਸਨ 2018 ਕੇ ਦਿਨ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਭੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਤਪੋਵਨ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਅਤਹ ਆਪ ਸਭੀ ਸੌਭਾਗਯਸ਼ਾਲੀ ਏਵਮ ਪੁਣਿਕਰਮੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗਨ ਮੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਏਵਮ ਅਭਿਨੰਦਨ ਤਥਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇ ਸਭੀ ਮਾਤ੍ਰ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਭੂਰੀ ਭੂਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵ ਸੌਭਾਗਯਵਾਨ ਭਵ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਯਸ਼ਸਵੀ ਭਵ ਪ੍ਰਗਿਆਵਾਨ ਭਵ ਭੂਰੀ ਭੂਤਿ ਕਰਣੇ ਦਾਣੇ ਕਨਿਸ਼ਠੋ ਭਵ ਤੇਜਸਵੀ ਭਵ ਬੈਰੀ ਦਰਬ ਦਲਣੇ ਵਿਆਪਾਰ ਦਖੋ ਭਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਭੂਰ ਭਵ ਪਾਇ ਪੂਰਨਤਾ ਸਰਵੋਪਕਾਰੀ ਭਵ ਮੰਤਰਾਰਥਾ ਸਫਲਾ ਸੰਤੁ ਪੂਰਨਾ ਸੰਤੁ ਮਨੋਰਥਾ ਸ਼ਤੂਨਾ ਬੁੱਧਿ ਨਾਸ਼ੋਸਤੁ ਮਿੱਤਰਾਣਾਮ ਉਦਯਸਤਵ ਸ਼ੀਰਵਰਚਸ ਆਯੁਸ਼ਮਾਰੋਗ੍ਯਮਾਭਿਧਾ ਸ਼ੁਭਮਾਣਮ ਮਹੀਯਤੇ ਧਨੰ ਧਾਨ੍ਯਮ ਪਸ਼ੂਮ ਅਗਿਆਨਲਾਭਮ ਸਤਸੰਵਤਸਰਮ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਅਸਤੁ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਆਪਕੀ ਦੀਰਘਾਯੁ ਹੋ ਆਪਕਾ ਆਰੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਆਪ ਧਨ ਧਨ ਸੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਿਨ ਮੰਤਰੋਂ ਕਾ ਆਪਨੇ ਸ਼ਵਨ ਕੀਆ ਵੇ ਸਭੀ ਸਫਲ ਏਵਮ ਸਾਰਥਕ ਫਲ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪ ਸਦੈਵ ਧਰਮਾਨੁਕੂਲ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉੱਨਤੀ ਕੇ ਮਾਰ ਪਰ ਅਗ੍ਰਸਰ ਹੋ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਅਭੀ ਸਭੀ ਭਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਵਰ ਸੇ ਬੋਲਤੇ ਹੋਏ ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ भी आरती है सभी बोलेगा ओम जय अम्बे भैया जय ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬਲੇ ਓ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੋਰੀ ਬਾਗ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿਰਾਜ ਕੀਤ
को मृग मल को यादी को मृग मल को ओ जल से दो नैना ओ जल से दो राक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंदन बर राजे ओम जय हे हरि वाहन राज खड़ग पर धारी भैया Hare Hare
छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे तुम्हारी भवानी शरण आ गया तुम्हारी भवानी आ गया मधुर आ
सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं, इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी, आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी, सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना, प्रेम से बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, आहोई बेला जय माता दी, राधा बेला जय माता दी, आरती बेला जय माता दी, आप रानी जय माता दी, कंठ लगानी जय माता दी, मां मेरा काटी जय माता दी, मां झोलियां भरती जय माता दी, मां भरे खजाने जय माता दी, वे सोला आने जय माता दी, मां गोदा भरती जय माता दी, मां वीर देनी जय माता दी, मां लाल देनी जय माता दी, गाने सुनिया जय माता दी, जा उच्ची बोलो हाथ भी खोलो जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, मां जोतां वाली जय माता दी, मां लाटां वाली जय माता दी, मन चोलियां वाली जय माता दी, चुन्नियां वाली जय माता दी, चूड़ियां वाली जय माता दी, पहाड़ां वाली जय माता दी, मंदरां वाली जय माता दी, झंडियां वाली जय माता दी, घंटियां वाली जय माता दी, द्वारां वाली जय माता दी, भवनां वाली जय माता दी, शेरां वाली जय माता दी, गोसां वाली जय माता दी, हाथ वाली जय माता दी, कल्याणी जय माता दी, बाबा रानी जय माता दी, चिट्ठी रानी जय माता दी, वैश्य देवी जय माता दी, बाबा काली जय माता दी, छप्पर वाली जय माता दी, मां शक्ति देवी जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, भरत वाली जय माता दी, मां हरे खजाने जय माता दी, सोला आने जय माता दी, भरत देव जय माता दी, मंग द्वारी जय माता दी, मां विद्या देवी जय माता दी, मां ज्ञान देवी जय माता दी, बुद्धि देवी जय माता दी, शक्ति देवी जय माता दी, जय जय अम्बे जय जय शक्ति जय जय अभी सभी भक्त दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वमंगल मंगल्ये, सर्वमंगल मंगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनार्थ, शरणागत दीनार्थ, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्यार्ति हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्विते, सर्वशक्ति समन्विते, भयवस्त्राहिनो देवी, भयवस्त्राहिनो देवी, दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी नमोस्तुते, सर्वावाधा प्रशमनम, सर्वावाधा प्रशमनम, त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यम, अस्मद्वैरी विनाशनम्, अस्मद्वैरी विनाशनम्, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे, 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं
चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः अभी परम पूजनीय श्री प्यारे महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। Thank you.
Yo me lo pongo. Yo estoy ya diciendo, yo me lo pongo.